राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। प्रदर्शनकारियों ने यहां पुलिस पर पथराव किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में प्रदेश की 4 बसों में आग लगा दी है। प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन लगातार हिंसक होता जा रहा है। शासन द्वारा किसी भी तरह के जुलूस या किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन की अनुमति आज की डेट पर नहीं दी गई है। अतः लोगों से अपील है कि किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन में सम्मिलित ना हो। और पुलिस फोर्स जो है वो जनपद की जो लगभग 6,000 की पुलिस फोर्स है वो इसके अलावा जो बाहर से फोर्स मिला है वो पूरी तरह से तैयार है कि किसी भी तरह की स्थिति से हम लोग निपट सकें। नोटिसेस उनको दी गई हैं जो भड़काऊ पोस्ट वाले लोग थे या जो भड़काऊ या अफवाह फैलाने के लिए जो लोग मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे थे। रात में लगभग 36 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कल 3 लोग जो हैं भड़काव पोस्ट के लिए भी गिरफ्तार हुए थे। सोशल मीडिया सेल जो हम लोगों का है वो लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। और मैं फिर अपील करूंगा कि किसी भी तरह के मैसेज को या भड़काव पोस्ट को फॉरवर्ड ना। नागरिकता संशोधन कानून और उत्तर प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर गुरुवार को समाजवादी पार्टी ने प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर हुए इस विरोध प्रदर्शन के तहत कानपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने शिक्षक पार्क में धरना दिया और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। वहीं आगरा में भी सपा कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए विरोध व्यक्त किया, तो आगरा में पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ दिया और कई कार्यकर्ताओं को यहां पर हिरासत में भी लिया गया। इधर गोड़ा में भी सपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।